मासक थरे एमती रांधिकी देखंतु देखिबे भोक नथिले बि आपण दुई थाली भात खाइनेबे ता सहित एमतिका पणस तरकारी आगे चिकेन मटन सब किछि आपण को फीका लागिबो। नमस्कार मु लक्ष्मी रोसई विथ लक्ष्मी रे आपण मानको अनेक अनेक स्वागत। रेसीपीटी स्टार्ट करबा पूर्वर जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ तेबे फटाफट मो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सिलेक्ट करि नियंतु। पणस तरकारी बनैबा प्रथमे किछि पणस नेइछि, पणसर चोपा को छड़ाई कि पणसर जो ऊपर पार्टा थाए सेटा को बाहर करि नेइछि। सेटा को आपण निश्चिंत काटिबे नहले कोन मना पेट खराब हो जिवो। तो ये सेम प्रोसेस रे मु सब पणस को काटिकी धोईकी रेडी करि नेइछि। ता सहित ये दुईटी मीडियम साइज़र आलू को मध्य टिके बड़ बड़ साइज़र काटिकी रखी। तो ये आलूर चोपा को मुझे छड़ाई नहीं आप चाहिए चोपा सहित भी नहीं पारे। एबे कौन करना ना आम पणसर टी कषा अंश कटापी आम गोटे डिश कि कड़ई में किसी पादा आने हिंदेद अध छोट चमच लुण स्वाद अनुजाई लुण देद सहित अध छोट चमच देद हलदी गुंड लुण हलदी की टी बहुत भल भाव मिक्स कर ना एबे एमें काटिकी रखि सब पणस को देद आलू को मेरे दबानी आलू को भाजिकी ना पणस सब कुछ दे सारापर एवे आम कभर करी लो टू मीडियम फ्लेम रे पाखापाखि 10-15 मिनिट पर सीझापी छाड़ीद पणस सीझा भितर चलत आम गोटे मसला रेडी करपाई ये गोटे मिक्सर जारे 15-20 पकुड़ा देदेज मो रसुण जेहेतु या मंस स्टाइल बनवा से मुझे मसला अधिक यूज कर आपण के हिसाब से आपड़ा मसलार क्वांटिटी कम बेसी करें। सहित ये मुझे 2 इंच पखापाखी अदार चोपा छड़े एमती छोट छोट काटिकी आर गोटे मीडियम सैज्र पिज को एमती पतला पतला छोट छोट काटिकीद पिज को ये ग्राइंड करके ना द्वारा पणस तरकारी झोलटा टी बहिया हम ता सहित एबरे मुझे गोटा मसला नहीं गोटा मसलार नहीं 8-10 गोलमरीच 4 ग्रीन गुजराती खंडे डालचीनी एवं 2 लवंग गोटा मसला को दे सारापर एबरे अल्प टिके पानी दे कि यार गोटे चिकन पेस्ट बनई आसवा ये देखो या बहुत भल भाव चिकन करके ग्राइंड करके नहीं आसी एवं कौन करवा ना या गोटे प्लेट कि गोटे गिना मध्य काढ़ रखि ना आई सेम मिक्सर जारे आम ये 2 मीडियम सैज्र टमाटो ये टमाटो को एवं बिना पानी रे यार गोटे प्यूरी बनई आसवा एबे आमर टमाटो प्यूरी भी बनिक रेडी जाइए एवं या सैड रखि ना चलत पणस को चेक कर ना ये देखो पणस को पखापाखि 10-15 मिनिट पर्यंत कुक कला ये मुझे कभर काढ़ चेक कर देखूँ पणस आम पखापाखि 50-60% भाया सीझिकी रेडी जाइए। बास पणस को आम एति ही सीझेबा बिलकुल भी ओभर कुक करा ना बाकी आम पणस को मसला सहित कसला बेले ही सीझेबा एबे कौन करना ना सब पणस को पानी बाहर करके गोटे प्लेट मध्य रखि ना एपटे प्रथम गोटे कड़ाई गरम करनि-4 बड़ चमच रिफाइन तेल देद आपड़ी रिफाइन तेल जगह सोरस तेल नहीं पारे तेल आम भलेसे गरम हो गला आम काटिकी रखि आलू को प्रथम दे कि आलू को भल भाव गोल्डन ब्राउन करके भाजी ना आदि आप चाहिए ये भजा आलू जगह सीझा आलू तरकारी आज व्यवहार करें। ये देखूँ किसी समय पर आलू आम गोल्डेन होजी होगला तो ये आम आलू को बाहर करके गोटे प्लेट मध्य रखि ना आम तेल आम कौन करना ना सीझे रखि पणस को देद पणस को हल्का गोल्डेन करके भाजी ना देखिए पणस को एमती सीझे भाजवा द्वारा पणसर टेस्ट बिलकुल मटन पर ही लगे। ये देखूँ पखापाखि गोटे मिनिट पर पणस आम लाइट गोल्डेन होजी होगला तो पणस को आमको बेसी कड़ा करके भाजी पारे ना जस्ट हाल्का है कि भाजी गला परे एबे हम बाहर करके गोटे प्लेट मध्य रखि ना पणस सब कुछ बाहर कर सारापर एम से बड़का तेल रेद अध छोट चमच गोटा जीरा ता सहित गोटे तेजपत्र को एमती 2 करकेद जेहेतु आम मसला सांगे गोटा मसला को बाटीचे से आम ये गोटा मसला देने जदि आप मसला सांगे न बाटि थे तेज ये गोटा मसला दे पारे जीरा टी आम भलसे फुटिगला एम ग्राइंड कर रखि अदा रसुण और पिज गोटा मसलार पेस्ट को देद यही मसला सब को प्रथम टी बहुत भल भाव मिक्स कर ना तापर एवे अध छोट चमच हलदी गुंड गोटे छोट चमच देद लंका गुंड अध छोट चमच लुण बा स्वाद अनुजाई लुण देद सहित अध छोट चमच देद जीरा गुंड अध छोट चमच देद धनिया गुंड एबे आम ये सब जिनस को टी बहुत भल भाव मिक्स कर ना
आउ ए मसलार कंचा स्मेल जीवा पर्यंत याक आम टिके कसी नबा। ए मसलार आपण निश्चिंत गोटा मसला को बाटी कि नियंतु, बिल्कुल भी स्किप करंतु नहीं। देखिबे ताहले ए ग्रेवी रो टेस्ट टा बहुत बढ़िया आसीब। एटी देखंतु किछि समय पर मसला हमर बहुत भल भाबरे कसी हेगलानी। एबे इथे आमे ग्राइंड करी रखीथिबा टमाटो प्यूरी को देइ दबा, गोटे चम्मच दे दबा। एठी आमे कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी दबा द्वारा बहुत बड़ा फ्लेवर आसीब। ता सहित अध छोट चम्मच दे दबा चिकेन मसला, अध छोट चम्मच दे दबा मीट मसला। ए दुईटा मसला भितर आपन पाखरे जे कोनोसे मसला नाही आपन सेटा को स्किप करि परिबे। एबे सब जिंस क आमे बहुत भल भाबरे मिक्स करि नबा। आउ गोटे रु दुई मिनिट पर्यंत याक आमे लो टू मीडियम फ्लेम रे भल भाबरे कुक करि नबा। एटी देखंतु मसला को पाखापाखी आउ दुई मिनिट कसिला परे टमाटा मध्ये मसला संगे आमर बहुत भल भाबरे कसी हे जाइछि। त एही समय रे आमे कोन करिबा ना, भाजिकी रखीथिबा आलू पणस को दे दबा। आलू पणस को मसला संगे बहुत भल भाबरे मिक्स करि नबा। तापर एबे याक आमे कभर करिकी पाखापाखी पांच रु दस मिनिट पर्यंत याक आमे मसला संगे कसी नबा। मसला सहित पणस आलू को आम जिते भल भाव कसी आम तरकारी टेस्ट से बढ़िया आसीबो। एटी देखंतु पाखापाखी पणस को मु 10 रु 15 मिनिट कसिला परे पणस आमर बहुत भल भाव कसी हे जाइछि। पणस को कसिला बेले आपनको जदि मसला टिके ड्राई लागे तबे आपण गोटे रु दुई चमच पाखापाखी पानी देकी आकु भल भाव कसी नेबे। आपण जदि पणस कसा खाइबाकु चाहन्थिबे त एही स्टेज रे काढ़िकी खाई परिबे। जदि आप ग्रेवी बनवाक चाहूबे तेल ये आवश्यक अनुजाई पानी देदेवे। तो ये मुझे गोटे ग्लास पखापाखी पानी दे पानी दे सारापर या बास पुणी थे भलसे मिक्स कर ना। तापर पुणी थे या कभर करके पखापाखी आउ पांच मिनिट पर मीडियम फ्लेम फुटापी छाड़ी दबा। ये देखूँ पखापाखी पांच रु सात मिनिट पर मुझे लिड काढ़ी चेक कर तो देखिपे तरकारी आमर के सुंदर कलर आसी जाइए। तो यही समय कौन करवा ना, अध चमच दे दबा गरम मसाला आ किसी फ्रेश धनिया पत्र को एकदम छोट छोट काटिकी दे दबा। ए सब जिनस को बहुत भल भाव मिक्स कर नबा। बास एबे हमर पणस तरकारी बनिकी रेडी हो जाइछि। आमे गैस रा फ्लेम को अफ कर नबा। ए पणस तरकारी रा टेक्सचर आ कलर ही आपण माने जानि पारथिबे जेते केते स्वादिष्ट बनी थिबो। याकु आपण माने रोटी परटा नहले त गरमा गरम भात सहित मते सर्व कर पारिबे। तो ये देखो ये तरकारी टेक्सचर केते बढ़िया बनी सहित आलू पणस आमर बहुत भल भाव सीझिकी रेडी। ताहले आशा करुच्ची आज रेसीपीटी आपण मानक निश्चिंत पसंद आसी। पसंद आसिले वीडियो को लाइक शेयर करने को बिल्कुल भी भूलंत नहीं। तेबे आज रहुची बाय, पुणी देखा हाँ आउ एक नुआ रेसीपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।